चलिए आइए शुरू करें। तो एक बार रिकैप्चुलेट करो क्या क्या हुआ मीन एसडी एनालिसिस में, मैंने क्या क्या सिखाया। लेट्स रिकैप्चुलेट। पहला मैंने बोला बेसिक फंडा में कि जब अनसर्टेनिटी होता है, ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या बोला, जब अनसर्टेनिटी होता है तो आप अपना स्टेटिस्टिक्स का प्रोबेबिलिटी साइंस यूज कर सकते हैं, और प्रोबेबिलिटी साइंस से आप एक्सपेक्टेड वैल्यू जान सकते हो। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब मीन, विच इज समेशन एक्सपी, एंड देन आप वो मीन पे भरोसा पूरा तरह से नहीं कर सकते बिकॉज अल्टीमेटली वो अनसर्टेन है। इसलिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि आप मीन से कितना डिविएट कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिविएशन फ्रॉम मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिविएशन फ्रॉम मीन, दैट इज फ्लक्चुएशन फ्रॉम मीन। ओके, नाउ हाउ दिस एनालिसिस हेल्प अस, कि अगर प्रोजेक्ट का मीन एसडी आपको मालूम है, अगर आपको प्रोजेक्ट का मीन एसडी मालूम है तो यू कैन टेक बेटर डिसीजंस। खाली मीन पे भरोसा करना कई बार रिस्की होता है, तो जिसमें ज्यादा जैसा रिस्क है उसमें वैसा रिटर्न भी आता है, बट फिर भी लोअर रिस्क हमेशा प्रेफर्ड रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को जो सीखना है, जिसमें हम लोग एंट्री ले रहे हैं, वो है दो सिचुएशन इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर का दो सिचुएशन है। सिचुएशन वन, ये जो हेडिंग चल रहा है उसका सिचुएशन वन है कि आपको मीन एसडी कैलकुलेशन करना है खुद से। मीन एसडी कैलकुलेशन करना है खुद से, बट यूजिंग एनपीवी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, बट यूजिंग गिवन एनपीवी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। दिस इज सिचुएशन वन। और एक आएगा सिचुएशन टू, यहां पे हेडिंग दे दीजिए आप टू सिचुएशंस। और एक सिचुएशन टू आएगा जो आएगा वापस मीन एसडी कैलकुलेशन, बट यूजिंग गिवन कैश फ्लोज एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। मीन एसडी कैलकुलेशन बट यूजिंग गिवन कैश फ्लोज एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। दोनों में फर्क आप देख रहे क्या? एक में एनपीवी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी और दूसरा में कैश फ्लो एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। एक में एनपीवी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी और दूसरा में है कैश फ्लो एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। दोनों का पूरा जमीन आसमान का फर्क है, ये ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन पहचानना नहीं आया तो हम लोग फंस जाएंगे। क्वेश्चन को देख के पहचानना पड़ेगा कि कब एनपीवी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी से काम होगा, कब कैश फ्लो एंड इट्स प्रोबेबिलिटी से काम होगा। सिचुएशन वन इजी होता है, सिचुएशन टू में और दिमाग लगता है। सिचुएशन वन में भी आ रहे हैं, गिवन इज एनपीवी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, गिवन इज एनपीवी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी, गिवन इज एनपीवी एंड इट्स प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एनपीवी दिया हुआ है एक ही प्रोजेक्ट का, ऑफ अ प्रोजेक्ट, ऑफ अ प्रोजेक्ट, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। से एनपीवी 5000 हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.3। 7000 हो सकता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी है 0.5। और 8000 हो सकता है, उसका प्रोबेबिलिटी है 0.2।
तो आपको करना क्या है, आपको करना है एक्सपेक्टेड एनपीवी फाइंड करना है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मीन, ये नंबर वन। और दूसरा आपको एसडी ऑफ एनपीवी फाइंड करना है। देखो दोनों में फाइंड एक ही चीज करना है, यहां पे मीन एसडी कैलकुलेशन जो करना है वहां पे भी यही कैलकुलेशन करना है, बट इंफॉर्मेशन जो देंगे वो अलग कर देंगे। एक सवाल उठता है मीन एसडी किसका निकालना है, सर ये मीन एसडी किसका, एनपीवी का। उसके लिए गिवन क्या है, एनपीवी ही दिया हुआ है और उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। और यहां पे भी क्या करना है, एनपीवी का ही निकालना है, ऐसा नहीं बोलना कैश फ्लो का निकालना है, जो गिवन है उसका निकालना है, ऐसा नहीं। निकालना किसका है, एम क्या है, पूरा बेसिक फंडा में मैंने क्या बताया, हम लोग को मीन एसडी किसका चाहिए, एनपीवी का मीन, एनपीवी का एसडी चाहिए, एनपीवी का ही सब कुछ चाहिए। गिवन डेटा में एनपीवी का प्रोबेबिलिटी दिया हो सकता है या फिर कैश फ्लो और उसका प्रोबेबिलिटी दिया हो सकता है। तो कैश फ्लो वाला बाद में सीखते, पहले एनपीवी वाला सीख लेते। एनपीवी वाला गिवन डेटा को पहचान जाइए कि प्रोजेक्ट का एनपीवी डिफरेंट डिफरेंट सर्कमस्टांस में क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आपको उसका एक्सपेक्टेड मीन और उसका एसडी निकाल के बताना है। तो पहला आ जाइए, एक्सपेक्टेड एनपीवी इज इक्वल टू मीन, वो तो मैंने ऊपर में बताया ही, कैसे आएगा, समेशन एक्सपी, एक्स मैंने क्या, एक्स मैंने इधर जिसका एवरेज निकालना है, करेक्ट। तो समेशन एनपीवी इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी करनी है आपको। चलिए आंसर बताइए मुझे, इसमें टेबल टूबल का जरूरत नहीं है। अच्छा ये ईयर है क्या, ईयर 1, 2, 3 है क्या, हाँ इसको डिस्काउंट भी करना पड़ेगा क्या, हाँ देखना यहां डिस्काउंटिंग का कोई काम नहीं है, क्यों नहीं है, एनपीवी है, एनपीवी माने डिस्काउंटेड है वो, सब लिख लीजिएगा आसपास वरना फंसेंगे उलझेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन पहचान नहीं आता है। दिस इज नॉट डिफरेंट ईयर, दिस आर डिफरेंट सिचुएशन, डिस्काउंटिंग का कोई रोल नहीं है यहां पे, बिकॉज एनपीवी दिया हुआ है। अगर एनपीवी दिया हुआ है तो आपको डिस्काउंटिंग नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी वो डिस्काउंटेड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मतलब डिस्काउंटेड है वो। क्या हुआ, 5000 × 0.3, 7000 × 0.5, 8000 × 0.2। हम्म, 6600। नंबर टू अब आ रहा है एसडी, एसडी ऑफ एनपीवी। एसडी इज ऑलवेज द डिविएशन फ्रॉम मीन। इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, प्रोबेबिलिटी के साथ फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। इट इज सपोज टू बी रूट ओवर, रूट ओवर क्योंकि वेरिएंस का रूट होता है, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है समेशन, किसी को याद है, पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स का होल स्क्वायर। सर ये आपने क्या बता दिया, ये तो अपन को नहीं आता था, कोई नहीं फॉर्मूला लिख लीजिए, अब करेंगे साथ में, फॉर्मूला रटना पड़ेगा आपको। अब ये सब का डेरिवेशन सिखाने हम लोग नहीं आए, ये स्टैटिस्टिक्स का पढ़ाई है। सर मेरा तो स्टैटिस्टिक्स ही नहीं था, तो ठीक है अभी इतना सा सीख लीजिए, फॉर्मूला है इसको रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। पी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस समेशन पी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए शुरू हो जाते हैं। एक और तरीका होता है, आपको याद है क्या फॉर्मूला, एक और तरीका से आता है, एक्स माइनस एक्स बार, विच इज एक्चुअली मोर लॉजिकल, यू सी जैसे हम लोग एसडी मतलब क्या बोलते हैं, मीनिंग ऑफ एसडी इज डिविएशन फ्रॉम मीन, मीन से डिफरेंट कितना वो, तो मीन ये रहा एक्स बार, एक्स बार मतलब मीन ये रहा, इसको एक्स बार बोलते हैं, इसको एक्स बार बोलते हैं, सिंबॉलिकली इसको एक्स बार बोलते हैं। तो मीन से आप कितना डिविएट किए फिर, हाँ जी इसका स्क्वायर इंटू पी, करेक्ट, और इसका समेशन, याद है कुछ, सर आप बोले तो हल्का हल्का याद आ रहा है, ठीक है प्रैक्टिस करेंगे तो सेट हो जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो सेट हो जाएगा,
एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू पी। सर किससे करें अल्टीमेटली? दोनों से एक ही आंसर आता है, दोनों से आंसर एक ही आता है, तो करें किससे सर? जिससे इच्छा, जो खुशी, जो इच्छा। ओके सर, आपके साथ करते हैं, आप जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। फिलहाल x मतलब लिख लो, x मतलब क्या है यहां पे? एनपीवी है, x मतलब एनपीवी। इस पूरी पढ़ाई में एनपीवी का ही कैलकुलेशन हो रहा है ना, तो x माने एनपीवी। तो देखिए तीन सिचुएशन था ना, एनपीवी का क्या क्या गिवन वैल्यूज था, यानी x क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दिया था, कॉलम्स बना के करेंगे, टेबल बना के करेंगे, क्या क्या था? 5000, 7000 और 8000, ये एक्स है। पी यानी 0.5, 0.3, उल्टा हो गया, उल्टा हो गया, 0.3, 0.5, 0.2, ये पी आ गया। एक्स पी आपको मालूम है, तो आप ये करो ना, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स माइनस एक्स बार, एक्स बार क्या आपका? एक्स बार ये रहा 6600 था ना, ये सही बताया था ना आपने, 6600। तो 5000 माइनस 6600 का स्क्वायर, देखो 1600 ले लोगे फिर क्या होगा, दो बार मेहनत करना होगा, एक और कॉलम बनाना होगा, तो इसको होल स्क्वायर में ही कर लो ना, इनटू इक्वल टू ही करना पड़ेगा, आपका मेहनत कम हो जाएगा, यू नीड टू डू जस्ट इनटू इक्वल टू। पच्चीस लाख 60000, रुको संग संग करेंगे, एक और कॉलम, पी इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है, तो इंटू 0.3 भी संग संग कर दीजिए, समय बचेगा, नहीं तो फिर टाइप करो, फिर मल्टीप्लाई करो, और जो आंसर आ रहा है उसको एम प्लस में डाल दीजिएगा, इंटू 0.3 एम प्लस, कितना आ रहा है ये? 7 नहीं बोलेंगे, 7 क्या अलग अलग बोलते हैं, 768, ठीक। फिर इधर आइए, 7000, 7000 माइनस 6600 का स्क्वायर, कितना आ रही है? 160 इंटू 0.5, 80000, फिर 8000 माइनस 6600 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1960 इंटू 0.2, 3,92,000। अब एम प्लस मार दो, एमआरसी मार दो, 12,00,000। अब ये आ गया वेरिएंस, इसको बोलेंगे वेरिएंस, एसडी के लिए इसका रूट कर दो, कितना आया? 1113.56 हो गया सम। सो देयरफॉर कंक्लूजन में एक्सपेक्टेड एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट इज 6600 रुपीज और एसडी ऑफ एनपीवी इज 1113.56।
समझ पाए क्या? बहुत इजी है, बस ये टेबल ही आपका हेल्पर है। अगर टेबल नहीं बनाते ना, थोड़ा सा मिस्टेक होता। और रो वाइज जाओ, रो वाइज जाने से समय बहुत बचता है। अब एग्जाम को परेशान करना हुआ, वो एक साथ तीन प्रोजेक्ट का पूछेगा, तो स्पीड चाहिए। एक साथ दो प्रोजेक्ट डाल देंगे, तीन प्रोजेक्ट डाल देंगे, कुछ करना तो नहीं है, बस फॉर्मूला में बैठाना है, एसडी और मीन आपको निकालना है। चलिए अब एक आप करके दिखाइए मुझे। ये है क्वेश्चन 16 और आपका 38, शिवम लिमिटेड। स्टार्ट करिए। शिवम लिमिटेड मिल गया, दो प्रोजेक्ट दिया हुआ है वहां पे, ए बी। देखो पहला पार्ट पढ़ो, क्या दिया हुआ है पहले देख लो, नजर से निकालो। एनपीवी दिया हुआ है और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। तो एनपीवी दिया है तो वो ईयर वाइज एनपीवी कुछ नहीं होता है, एनपीवी तो सब ईयर जीरो पे आ चुका है, एनपीवी इज ऑलरेडी एट ईयर जीरो लेवल, ठीक है। देन पहला चीज क्या पूछा है, कंप्यूट एक्सपेक्टेड एनपीवीज ऑफ बोथ द प्रोजेक्ट। दूसरा पूछा है रिस्क अटैच्ड, दैट इज स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ ईच प्रोजेक्ट। देन थर्ड नया चीज पूछा है पीआई। आपको चैप्टर का स्टार्टिंग में मैंने बोला था प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैसे आता है, वो बता देंगे वापस। और रिकमेंडेशन पूछा है, वो भी हम बता देंगे। आप पार्ट वन टू निपटाइए। बेस्ट क्या होगा ना, एक टेबल बना के करिए। कैसे बनाए सर टेबल में, हेल्प करिए फॉर्मेटिंग में। चलिए आइए, वर्किंग नोट बोलते हैं इसको। ये टेबल है प्रोजेक्ट ए का, देखो एक बार मैं बना देता हूं। पहले एनपीवी लिखेंगे, फिर प्रोबेबिलिटी लिखेंगे, फिर एनपीवी इंटू प्रोबेबिलिटी का कॉलम बना दीजिए। यहां पे आपका एक्सपेक्टेड एनपीवी आएगा, जिसको आप एक्स बार बोल रहे हो, ये आपका एक्स है, ये आपका एक्स बार है, ठीक है। फिर आपको करना है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, फिर करना है p इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। सर हम लोग का तो इसी में पूरा कॉलम यूज हो जाएगा, तो ठीक है आप प्रोजेक्ट b फिर नीचे कर लीजिएगा। अगर इसमें आपका जगह ज्यादा लग रहा है तो कोई नहीं है, सही जीरो जीरो का खेल है ना इतना सारा, तो आप फिर प्रोजेक्ट b का सेम वे में प्रेजेंटेशन करो। पहले प्रोजेक्ट a निपटाओ, फिर प्रोजेक्ट b करेंगे। पंद्रह, बारह, छः, तीन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री, पॉइंट थ्री, पॉइंट टू। यहां पे बोलिए 3000, 3600, 1800, 600, ये एक्सपेक्टेड एनपीवी क्या आया दोस्त? हाँ 9000, इसको लिखो एक्स बार, ये एक्स बार। नाउ यू स्टार्ट हियर, क्या लिख रहे हो पहला वाला में? क्या माइनस क्या कर रहे हो? 15,000 माइनस, कोई ने 3,000 माइनस किया होगा, देखिए कोई है ऐसा
15 माइनस 3 कर दिया, 15,000 माइनस 9,000 करना है, उसका स्क्वायर कर लीजिए, क्या आंसर आया? 6,000 इंटू 6,000, हाँ बाप रे, इतना जीरो कौन लिखेगा भाई? इंटू 0.2 करके आंसर बोलो, 72 लाख, हाँ तुम लाख ही लिख देंगे, इतना जीरो लिखने का मेरा शक्ति नहीं है। हाँ ये टोटल बोल दो ना। वन 98 लाख, तो इसका रूट करिए, ये वेरिएंस आया तो एसडी हो जाएगा। ट्रिपल 4 9.71 को हम लिख सकते हैं 4450, ये लाख नहीं है, अब रुपीज आ गया, रुपीज लाख नहीं है ना, ये दूसरा वाला 72 लाख के बाद क्या है? 27 लाख। इसमें क्या करना है मैं लिख देता हूं, 12,000 माइनस 9,000 का स्क्वायर ही करना है। अच्छा नेक्स्ट वाला क्या है, 12 माइनस 9,000 का स्क्वायर, नेक्स्ट वाला फिर 27 है, फिर 72 है। अब ऐसे ही प्रोजेक्ट बी का करिए, सेम वे प्रोजेक्ट बी का सॉल्व करिए, एनपीवी है, प्रोबेबिलिटी है, एनपीवी इंटू प्रोबेबिलिटी करेंगे, ये एक्स है, ये एक्स इंटू पी है, जिसको आप एक्स बार बोल, एक्स बार इसको नहीं बोलेंगे, इसको एक्स इंटू पी बोलेंगे, फिर एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी करके फाइनल आंसर बता देंगे। क्या क्या फिगर से बोलिए, 15, 12, 6, 3 प्रोबेबिलिटी, 0.1, 0.4, 0.4, 0.1, 1500, 4800, 2400, 300 टोटल। नौ हजार इज योर एक्स बार, एक्स बार इज 9,000, फिर 15 माइनस 9 का स्क्वायर इंटू
इनटू पॉइंट वन क्या आ रही है, 36 लाख, फिर दूसरा वाला फिर 36, तीसरा सारे ही 36 है, तो ये आ रहा है 144 लाख, इसको बोल रहे वेरियंस, और उसका रूट करिए 3795, 95 नहीं लेने देंगे। अब क्या क्या पूछा है एड्रेस करो, क्वेश्चन का पार्ट वन, एक्सपेक्टेड एनपीवीज, एक्सपेक्टेड एनपीवीज, प्रोजेक्ट ए में प्रोजेक्ट बी में 9000 और दोनों में, ओह वेरी नाइस। और दूसरा पार्ट पूछता है लोग एसडीज, एसडी ऑफ एनपीवी, प्रोजेक्ट ए में 4450, प्रोजेक्ट बी में 3795। तो अब समझ में आ रहा क्या कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है, ऐसे ही वो पार्ट फोर में पूछा है कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, बी, क्यों, सेम रिटर्न है बट रिस्क कम है, तो पार्ट थ्री पहले जो पूछा है वो एड्रेस करें, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है नया इसको मार्क करके रखिएगा, यहां भूल हो जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या पता है क्या, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में, चेक करिए तो बता सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सीफेट कैसे आएगा, हाँ ये एनपीवी नहीं होता है, हाँ अब जो सो बोला वो सही है, एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एनपीवी इक्वेशन क्या है, एनपीवी इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और एनपीवी आपको दिए हुए, अब एनपीवी तो हमारे पास बहुत सारे, हम कौन सा एनपीवी लें, एवरेज वाला लेंगे, एक्सपेक्टेड एनपीवी लेंगे, इतना सारा एनपीवी है तो हम कौन सा एनपीवी लें, एवरेज वाला लेंगे, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट यहां से कैसे आएगा, इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड एनपीवी प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये इसका एक नया पार्ट था। देखो जो हमारा ये निशा दीदी बोला वही मिस्टेक सबको ही करता है, क्या पता है वो उतना ध्यान नहीं देता कि ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट अलग है, वो एनपीवी ही बैठा देता है, ठीक है। तो एक बार एग्जाम में ऐसा भी आया था, फाइंड एनपीवी इंडेक्स, एनपीवी इंडेक्स पूछा तो क्या करना है, जो इन्होंने बोला वही करना है, एनपीवी बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सी फैट बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। सो व्हाट डू वी हैव, प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, व्हाट डू वी हैव हियर इज प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, उसमें आपका पहले प्रोजेक्ट ए का करते हैं, एक्सपेक्टेड एनपीवी है 9000, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 36000 बाई 30000, सॉरी बाई 36000, 1.25, बी 9000 प्लस 30,000 बाई 30,000 कितना रहे, 1.3, ठीक है। सो कौन सा बेटर है, जिसका पीआई हायर है, इसमें बोलते हैं हायर पीआई इज बेटर, हायर पीआई इज बेटर, अब आपको जो पार्ट फोर में पूछ रहा है क्या पूछ रहा है,
विच प्रोजेक्ट डू यू रेकमेंड स्टेट विथ रीजंस? देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलता है एनपीवी को चूज करो, और एनपीवी दोनों में सेम है 9000 9000, ठीक है। और सिंस रिस्क अटैच किया हुआ है एनपीवी में, इसलिए आपको मीन एसडी में ही जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी कमेंट करते वक्त बोला, इन जनरल पूरा चैप्टर में जब जब आप देख रहे रिस्क अटैच्ड है तो खाली एनपीवी पे कमेंट हो नहीं पाएगा, हमेशा मीन एसडी के साथ ही आपको कंपेयर करके डिसीजन देना है। सो यू नो दैट विच प्रोजेक्ट हैज लोअर रिस्क, बी, तो आपको बी प्रेफर करना है। अच्छा यहां पे मैं हायर पीआई इज बेटर लिखा ना, तो इसमें भी प्रोजेक्ट बी आ रहा था, देख रहे हैं ना, बट इसमें रिस्क कंसिडर नहीं हो रहा है, दिस इज इग्नोरिंग रिस्क, इग्नोरिंग रिस्क। आप इससे आंसर नहीं लिखना, रिस्क अगर दिखा रहा है तो रिस्क के बेसिस पे डिसीजन देंगे। वो कोइंसिडेंस है कि दोनों से एक आंसर आ रहा है वो अलग बात है, बट जब रिस्क दिया है तो रिस्क इग्नोर करके डिसीजन कभी नहीं देते। तो पार्ट फोर में आइए, पार्ट फोर में आइए। एज रिस्क और एसडी इज नोन, वी मस्ट कंसिडर दैट प्रोजेक्ट ओनली वेयर रिस्क इज लोअर, करेक्ट। एज एक्सपेक्टेड एनपीवी इज सेम इन बोथ प्रोजेक्ट ए एंड बी, इज सेम इन बोथ प्रोजेक्ट ए एंड बी, वी कैन कंपेयर, इज सेम इन बोथ प्रोजेक्ट ए एंड बी, वी कैन कंपेयर them directly from their risk. So therefore, कौन सा recommend करे? Project B is recommended as its SD is lower. Therefore, project B is recommended as its SD is lower. Project B is recommended as its SD is lower. हो गया। ये एक टाइप ऑफ सम था, ठीक है। इसका एक एडवांस वर्जन अब शुरू होगा सिचुएशन नंबर टू बोलकर। आइए सिचुएशन टू का नोट्स लिखते हैं। सिचुएशन टू के पहले एक चीज आपको बताते हैं। इन जनरल आपने अभी एनपीवी यहां पे ऑलरेडी देखा, यहां पे एनपीवी ऑलरेडी देखा, ठीक है। मतलब डिस्काउंटिंग किया क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि एनपीवी इज ऑलरेडी अ डिस्काउंटेड आंसर। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट मस्ट हैव बीन द डिस्काउंटिंग रेट? डिस्काउंटिंग रेट रिस्क एडजस्टेड होगा कि रिस्क फ्री होगा? ये एनपीवी निकालते वक्त इन लोगों ने जो एनपीवी निकाला उसके अंदर डिस्काउंटिंग रेट क्या रहा होगा? आंसर इज रिस्क फ्री रहेगा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्यों? इसलिए कि देखिए आप एनपीवी निकाल कर फिर रिस्क एनालिसिस कर रहे हो। इसके पहले तक की पढ़ाई में क्या हो रहा था? एनपीवी में ही एडजस्टमेंट मार दे रहे थे, एनपीवी को ही कम कर दे रहे थे। इसके पहले तक में जैसे आरईडीआर पढ़ाया था ना, आरईडीआर क्या करता था? डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ा के एनपीवी निकालता था, तो एनपीवी कम कर दिया। और यहां पे एनपीवी का एनालिसिस में रिस्क एडजस्ट नहीं करना, क्योंकि आप एनपीवी निकाल के उसकी प्रोबेबिलिटी देखकर फिर रिस्क एनालिसिस करो।
तो अगर आप एनपीवी में रिस्क एडजस्टेड रेट लोगे यहां के एनपीवी में और फिर वापस से रिस्क एनालिसिस करोगे तो दो दो बार क्यों एनालिसिस करना है? ये एक अच्छा लॉजिकल कॉन्सेप्ट था यहां पर कि व्हाट शुड बी द डिस्काउंटिंग रेट इन दिस एंटायर कैलकुलेशन। ओके, आइए एक नोट लिखते हैं। व्हाट शुड बी द डिस्काउंटिंग रेट इन मीन एसडी एनालिसिस और इसका आंसर क्या है? इट शुड बी रिस्क फ्री रेट। इसका रीजन क्या है? टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ रिस्क, टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ रिस्क। समझ में आया? सिंपल बात है एकदम। रिस्क फ्री रेट है। क्यों रिस्क फ्री रेट है? टू अवॉइड डबल काउंटिंग ऑफ रिस्क। जैसे अगर आप रिस्क एडजस्टेड रेट ले लेते हैं तो फिर एसडी एनालिसिस का जरूरत नहीं। रिस्क एडजस्टेड रेट के बाद यू डोंट नीड एसडी एनालिसिस। अगर आपने वहां रिस्क एडजस्टमेंट नहीं किया है तो आप एसडी एनालिसिस करके अपना रिस्क को एडजस्ट करिए। सिंपल। बात समझ में आ गई? लिख नहीं रहे इसलिए मेरे को लग रहा है कि आपको याद कैसे रहेगा। ये सब जो एनालिसिस की बातें हैं ये आज सुनने में अच्छी लगती है, समझने में भी अच्छी लगती है, बट याद नहीं रहता है। और रिविजन के समय मैं आपको बता देता हूं, दिमाग भागता है एकदम स्पीड में कि यहां से तुरंत मार्स घूमाए, तुरंत मून घूमाए, और फिर एक सवाल का जब जवाब नहीं मिलता ना तो पूरा पढ़ाई से विश्वास उड़ जाता है। सही बता रहे, रिविजन में प्रॉब्लम होता है कि कोई सवाल मन में आ गया, अब उसका जवाब अगल बगल कहीं नहीं दिख रहा है तो लगता है छोड़ दे क्या, मेरा कॉन्फिडेंस ही खत्म है, मेरे को कुछ आता ही नहीं है। इसलिए कभी भी कुछ मैं एक्स्ट्रा बताऊं, आपको लगे सर नहीं लिखवा रहे हैं तो साइड में लिखने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है सर, एक बार फिर से बोलेंगे, आप क्या बोल रहे थे? मैं बोल रहा था कि अगर रिस्क एडजस्टेड रेट यूज कर लिया तो एसडी एनालिसिस का जरूरत नहीं। दो बार रिस्क क्यों देखना है? और अगर रिस्क फ्री रेट किया मतलब रिस्क एडजस्टमेंट नहीं किया तो एसडी एनालिसिस करके रिस्क एनालिसिस कर लो। दोनों साथ में नहीं है, हर अप्रोच इंडिपेंडेंट है। रिस्क एडजस्टेड अप्रोच से भी रिस्क एनालिसिस हो जाता है और एसडी अप्रोच से भी रिस्क एनालिसिस होता है। नेक्स्ट आ रहा है सिचुएशन टू। नेक्स्ट आ रहा है सिचुएशन नंबर टू। आइए ध्यान दीजिए, लिखिए यहां पे एसडी एनालिसिस ही करना है, बट क्या गिवेन होगा? गिवेन इज कैश फ्लो एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब सर क्या बोल रहे हैं आप? ये कैश फ्लो एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूं, एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सर ये क्या हुआ है, समझाइए सर। ये देखिए मैं समझा देता हूं। सोचिए एक प्रोजेक्ट है, एक सैंपल दिखाते हैं, सैंपल एक प्रोजेक्ट है, उसका ईयर वन में, ईयर वन का बता रहे हैं, जो कैश फ्लो आ सकता है वो 5,000 आ सकता है, 6,000 आ सकता है, 7,000 आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई 0.3, 0.5, 0.2। फिर देखा, डेटा देखना कितना एक्सटेंसिव है। ईयर टू में उसका कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी, समझ में आ रहा है, जो से समझो 6,000 आ सकता है, 8,000 आ सकता है, 9,000 आ सकता है, प्रोबेबिलिटी है 0.5, 0.4, 0.1। से उसका लाइफ 3 साल है, तो ईयर थ्री कैश फ्लो और प्रोबेबिलिटी 5,000 आ सकता है, 10,000 आ सकता है, 20,000 आ सकता है,
प्रोबेबिलिटी है 0.2, 0.4, 0.4। और ऑफ कोर्स इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हम बता ही देंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो ईयर जीरो का होता है वो तो एक ही फिगर होता है, से वो 20,000 रुपये। इसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, एनुअल कैश फ्लोज में प्रोबेबिलिटी दी हुई है। पुराना सब में क्या था, सब रेडीमेड था, पका पकाया था। एनपीवी खाली अलग अलग निकाला और उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ था। और एक चीज ये भी देखो, इसमें जो कैश फ्लोज है ये सब डिस्काउंट नहीं किए हुए हैं, सो वी ऑल्सो नीड हियर अ डिस्काउंटिंग रेट। बिना डिस्काउंटिंग के आप एनपीवी कैसे निकालोगे, एंड डिस्काउंटिंग रेट वुड बी, अभी अभी क्या बताया, रिस्क फ्री रेट। वी ऑल्सो नीड अ डिस्काउंटिंग रेट विच विल बी अ रिस्क फ्री रेट, करेक्ट। एंड वॉट इज द पर्पज ऑफ हैविंग दिस डेटा, क्या फाइंड करने बोलेगा, वी नीड टू फाइंड वही दो चीज, क्या एक्सपेक्टेड एनपीवी, और दूसरा आपको क्या फाइंड करना होगा, एसडी ऑफ एनपीवी। मंजिल मत भूलना, जो बेसिक फंडा से बताते आ रहा हूं वही फाइंड करना है, बस डेटा का फॉर्म चेंज हो गया। पहले एनपीवी और उसकी प्रोबेबिलिटी थी बस, अब कैश फ्लो और उसकी प्रोबेबिलिटी। पहले एनपीवी डिस्काउंटेड था, ऑलरेडी डिस्काउंटेड था, वहां लिख लेना चाहिए था आपको, पहले जो एनपीवी वाला एग्जांपल दिखाया था वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, इसलिए आपको डिस्काउंटिंग रेट नहीं चाहिए था, और अभी कैश फ्लोज दिया हुआ है तो आपको खुद से डिस्काउंटिंग भी तो करना पड़ेगा, आपको खुद से डिस्काउंटिंग भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। खेल बहुत है, ठीक है, खेल बहुत है, बट सिचुएशन का नोट्स पहले जानना है, सिचुएशन का नोट्स इसमें जानना है। इसमें तीन केस आता है, ये सिचुएशन टू के अंदर तीन केस है। सबसे एक्सटेंसिव यही आपका पढ़ाई में, मतलब मीन एसडी में फर्स्ट वाला केस कुछ भी नहीं था, ये सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव है और इसमें बहुत बारीकी से सम करना पड़ता है, बहुत ध्यान से सम करना पड़ता है। सिचुएशन टू का तीन केस है। पहला केस है, कैश फ्लोज आर परफेक्टली कोरिलेटेड, दूसरा केस है कैश फ्लोज आर परफेक्टली नॉन कोरिलेटेड, कैश फ्लोज आर मॉडरेटली कोरिलेटेड। कैश फ्लोज आर परफेक्टली कोरिलेटेड मतलब, इसका मतलब बता रहे हैं कि ईयर वन के ऊपर ईयर टू डिपेंडेंट है, मतलब कैश फ्लो ऑफ ईयर टू इज डिपेंडेंट ऑन ईयर वन, सीएफ ऑफ ईयर टू इज डिपेंडेंट ऑन कैश फ्लोज ऑफ ईयर वन, कैश फ्लो ऑफ ईयर टू इज डिपेंडेंट ऑन कैश फ्लो ऑफ ईयर वन। ठीक है, फिर इधर एकदम नॉन कोरिलेटेड है, मतलब कैश फ्लो ऑफ ईयर टू इज इंडिपेंडेंट, किसी पे वो निर्भर नहीं कर रहा। और मॉडरेटली कोरिलेटेड मतलब कैश फ्लो ऑफ ईयर टू इज डिपेंडेंट बट नॉट 100% डिपेंडेंट, बट नॉट 100%, ठीक। सर ये सब रॉकेट साइंस, समझाइए थोड़ा, ये क्या लिख रहे हैं आप, एरोडायनामिक्स लग रहा है, केमिस्ट्री का क्लास लग रहा है हम लोग को। अच्छा समझते हैं, कोई हड़बड़ नहीं है, अपने को कोई हड़बड़ नहीं, आराम से समझते हैं।
कोरिलेशन स्टेटिस्टिक्स की एक पढ़ाई है जो दो वेरिएबल में रिलेशनशिप बताता है। अगर वो दोनों आपका एक पर्टिकुलर डिसीजन में आना है, ठीक है, तो उनका रिलेशनशिप समझ लेने से डिसीजन लेना इजी होता है। समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। अभी तक स्टैट्स फॉर्मूला सेंट्रिक पढ़े थे, अभी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं ना। कोरिलेशन एक ऐसी पढ़ाई है जो दो वेरिएबल का रिलेशनशिप सिखाता है, करेक्ट। अगर वो दोनों वेरिएबल एक डिसीजन के लिए महत्वपूर्ण है तो उनका रिलेशनशिप जान लेने से, उनका रिलेशनशिप जान लेने से आपको ओवरऑल डिसीजन लेने में हेल्प होता है। अब वो हेल्प क्या होता है वो अभी छोड़ो, आप अभी दो वेरिएबल को लेके समझो। अब दो वेरिएबल क्या है उसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी योर एफर्ट एंड मार्क्स। सर आप घूम फिर के बार बार यहां पे आ रहे हैं, समझा रहे, क्योंकि ओवरऑल परफॉर्मेंस आपका उसी दो वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। सर ये वेरिएबल कैसे हुआ? एफर्ट कम बेसी होता है, मार्क्स भी कम बेसी होता है, इसलिए वो वेरिएबल है। तो दोनों में रिलेशन है ना। क्या बोलते हैं, परफेक्ट डिपेंडेंट है कि परफेक्ट इंडिपेंडेंट है? कॉमन सेंस से पता चलता है परफेक्ट डिपेंडेंट है, लॉजिकल है। परफेक्ट डिपेंडेंट कैसे? कि अगर एफर्ट बढ़ाएंगे तो मार्क्स बढ़ेगा ही, इसी को बोलते हैं परफेक्टली डिपेंडेंट। तू जहां मैं वहां, याद है क्या? मेरी मैडम बोलती है मेरे को हमेशा, एक उसका प्रोवर्ब है, मैं कभी भी पूछूंगा यहां चलना है तो उनका रिप्लाई आएगा, आप जहां बोलेंगे हम वहां हो लेंगे। तो मैं लिखता हूं ओके, कोरिलेशन इज इक्वल टू 100%। मतलब जहां तू जहां मैं वहां, जैसे ये बढ़ेगा वैसे ये बढ़ जाएगा, परफेक्ट कोरिलेशन इसी को बोलते हैं। समझ में आ रहा? उसी तरह से आप ज्यादा खाने लग जाओ, क्वांटिटी ऑफ फूड और मार्क्स अब रिलेट करो। ज्यादा खाओगे तो ज्यादा नंबर आएगा, कोई कोरिलेशन है? हाँ, ऐसा नहीं है ना, करेक्ट। तो वो इंडिपेंडेंट हो गया, इसको बोलते हैं परफेक्ट नो कोरिलेशन, जीरो कोरिलेशन, नो कोरिलेशन, इंडिपेंडेंट, करेक्ट। अगर रिलेशनशिप होता तो हम लोग एक इक्वेशन बना देते। रिलेशनशिप होता है ना तो एक इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन को बोलते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन स्टैट्स में जो पढ़ाई है वो सिखाता है कि दोनों में रिलेशन क्या हो सकता है, एक्स वाई के टर्म्स में बताओ, एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में डाल दो। रिग्रेशन क्या करता है, उन दोनों में फिर एक इक्वेशन बैठा देता है। कोरिलेशन ये चेक करता है कि रिलेशन है कि नहीं है, और अगर कोरिलेशन है तो रिग्रेशन बना देते हैं। रिग्रेशन इज द इक्वेशन, रिग्रेशन मतलब होता है इक्वेशन बना देते हैं। अगर खाना और मार्क्स में रिलेशन होता तो हम लोग इक्वेशन बना देते, फिर बच्चे से पूछते बोलो तुम कितना खाना खाता है, वो बैठाते उसका नंबर कितना आएगा वो पता चल जाएगा, बट ऐसा कुछ है नहीं, करेक्ट। जैसे अब आप मेरे से आके पूछेंगे सर मेरा मार्क्स कैसे बढ़ेगा, तो मैं पहले पूछूंगा कितना तुम घंटा पढ़ने रेडी है, तो उसके हिसाब से मार्क्स और एफर्ट का रिलेशन बैठता है। ऐसे खाना और बीमारी डिजीजेस का रिलेशनशिप बैठता है, तो आप कितना खाते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या क्या खाते हो, कैसी कैसी बीमारियां होंगी, उसमें रिलेशन बैठता है, करेक्ट। सो कोरिलेशन इज गोइंग टू एक्सप्रेस जस्ट द रिलेशनशिप। सिमिलरली मॉडरेटली कोरिलेटेड मतलब थोड़ा डिपेंडेंट है बट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं, थोड़ा डिपेंडेंट है बट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं। जैसे कि आपका मार्क्स में आपका मेहनत तो पूरा ही है, मतलब वो 100% रिलेशन है उसमें। मार्क्स में समझिए अच्छा नोट्स, अच्छा हैंड राइटिंग, क्या समझे, कितना पेजेस लिख के आया, वो थोड़ा निर्भर करता है, करेक्ट। बट 100% उस पर ही सारा रिजल्ट आता है ऐसा नहीं, तो वो है मॉडरेटली कोरिलेटेड।
अभी हम लोग उसको कैसे यूज कर रहे हैं, जैसे ये सैंपल डेटा देखिए, ईयर वन का कैश फ्लोज ये रहा। तो ईयर वन में अगर 5, 6, 7 में से कोई एक होता है तो अकॉर्डिंगली क्या ईयर टू में ये तभी आएगा जब ईयर वन में ये आएगा? आप बोलते हैं हां, तो परफेक्ट कोरिलेशन है। और अगर आप बोलते नहीं, ईयर वन में जीरो भी हो गया तो भी ईयर टू में ये आ सकता है, तो ये परफेक्ट नो कोरिलेशन है। अब आप बोलेंगे नहीं, ईयर टू में ये जो आएगा इसमें कुछ तो आना चाहिए, भले ही जो था वो एग्जैक्टली नहीं आना चाहिए, कुछ तो आना चाहिए, तो मॉडरेट कोरिलेशन है। समझ में आ रहा है रिलेशनशिप में क्या समझा रहा हूं? अभी आप पढ़िए मैंने 3 सिचुएशन क्या बनाया। कैश फ्लोज आर परफेक्टली कोरिलेटेड, मतलब कैश फ्लो ऑफ ईयर टू इज डिपेंडेंट ऑन, अच्छा परफेक्ट वर्ड मतलब होता है 100% डिपेंडेंट, ठीक। और उसी तरह से कैश फ्लो ऑफ ईयर टू इज 100% इंडिपेंडेंट, उसको ना ईयर थ्री से मतलब ना ईयर वन से मतलब, कैश फ्लो ऑफ ईयर टू जो आना है वो आके ही रहेगा, ठीक। और यहां पर कैश फ्लो ऑफ ईयर टू इज डिपेंडेंट बट नॉट 100%। नाउ गाइज, यहां पे जो मेन पढ़ाई है वो इन दोनों को लेके है, और तीसरा वाला एक अलग पढ़ाई है जिसका इन दोनों से कोई खास कनेक्शन नहीं है। मतलब आपको फर्स्ट टू सिमिलर लगेगा, थर्ड वाला यूनिक लगेगा। फर्स्ट टू जो आप पढ़े उसको रिसर्च किया था मिस्टर हिलर ने, तो हम लोग हिलर्स मॉडल बोल के पढ़ते हैं, हिलर्स मॉडल। तो एग्जाम में हिलर्स मॉडल बोल के कुछ पूछ लिया तो आपको फर्स्ट टू केस में घूमना है। और यहां पे जो हम लोग पढ़ेंगे इसका नाम है डिसीजन ट्री या प्रोबेबिलिटी ट्री लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ट्री कॉन्सेप्ट। अब ये क्या है बाद में बताएंगे आपको, प्रोबेबिलिटी ट्री कॉन्सेप्ट ब्रैकेट में लिख करके जॉइंट प्रोबेबिलिटी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी यूज होता है, बट वो क्या है अभी छोड़ दीजिए, आप खाली नाम लिख रहे हैं हिलर्स मॉडल और प्रोबेबिलिटी ट्री कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक सवाल आता है, कुछ नहीं बोला हो एक प्रोजेक्ट का कैश फ्लोस का रिलेशनशिप के बारे में, तो आप क्या मानोगे, मैं डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? अजम्पशन क्या लोगे, एक अजम्पशन लेना है तो क्या मानोगे? इंडिपेंडेंट है। कभी नहीं मानोगे कि ईयर वन के ऊपर ही ईयर टू में सब कुछ निर्भर कर रहा है। मतलब कोई ऐसा रूल है क्या जो इंटर में धक्का खा खा के पास हुआ, 5-6 अटेम्प्ट लग गए, उसको फाइनल में फिर धक्का खाना पड़ेगा? ऐसा रूल है? नहीं है, नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। अच्छा, जो इंटर में रैंक लाया वो फाइनल में फिर रैंक लाएगा, ऐसा कोई रूल है? ना, कोई रूल नहीं है। ना सामने सैंपल आपके सामने खड़ा है, इंटर में रैंक आया था फाइनल में नहीं आया, करेक्ट। तो वो कोई रूल नहीं है, मतलब जनरली क्या है, सिचुएशन इज इंडिपेंडेंट, सिचुएशन इज इन जनरल इंडिपेंडेंट। हम लोग कोरिलेशन को, आपको अगर याद हो स्टेटिस्टिक्स, आर से एक्सप्रेस करते हैं, आर छोटा आर, ओके। यहां पे बोलते हैं हम लोग परफेक्ट कोरिलेशन होने से आर का वैल्यू 1 है, यानी 100% है, और यहां पे आर का वैल्यू 0 है। और एक नोट्स लिखा रहे हैं आपको कि इफ नथिंग इज मेंशनड, इफ नथिंग इज मेंशनड वी ऑलवेज अज्यूम आर इज इक्वल टू 0। आर इज इक्वल टू 0। कोरिलेशन में एक और पढ़ाई आती है जो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई का नाम है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, वो पढ़ाई का नाम है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। इसका मतलब होता है कि अगर पहला वेरिएबल ऊपर है दूसरा वेरिएबल नीचे,
मतलब फर्स्ट ईयर में कैश फ्लो अगर पॉजिटिव आया तो सेकेंड ईयर में कैश फ्लो नेगेटिव चल जाएगा, ऐसा होता है क्या प्रोजेक्ट्स में? ऐसा होता है? नहीं होता है। दो वेरिएबल को स्टडी करे तो हो सकता है, बट प्रोजेक्ट केस में, अभी आप लोग कैपिटल बजटिंग पढ़ रहे हो, उसमें ऐसा सुनने में आता है क्या फर्स्ट ईयर में पैसा आ गया इसलिए सेकेंड ईयर में आपको लॉस होगा ही होगा? ऐसा नहीं होता है। तो आर इक्वल टू माइनस वन हमारे केस के बाहर है, कैप बज के बाहर है, बट वो एग्जिस्ट करता है। आर इज इक्वल टू माइनस वन जो लोग फाइनल पढ़ते पोर्टफोलियो में, हमारा जो कौन सा थ्योरी था, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी, वो पूरा इसी के ऊपर तो डिपेंडेंट था, जो लोग किए हैं क्लास, नहीं तो बाकी करेंगे। बट बाकी 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 आप अभी के लिए यही मानिए, हम लोगों को जीरो और वन में ही खेलना है, ठीक है? मॉडरेटली कोरिलेटेड में आर का वैल्यू जीरो से वन के बीच में है, यहां पे आर का वैल्यू बिटवीन जीरो एंड वन है। नेगेटिव वाला कोई पढ़ाई हमारे काम का नहीं, वी आर नॉट स्टडिंग एनी नेगेटिव स्टडी, ठीक है? थोड़ा आपको तैयार होके आना होगा अगला दिन, ऐसे जो बिना नहाए धोए आए उनको ये सब कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। अगला दिन सुबह नहा धो के आइएगा पूरा, ठीक है? ये बहुत हाई फाई चीज है, मैं पहले ही बता रहा हूं। हाँ, पूजा करना है वो आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी भावना, आपकी इच्छा, आपकी पूज अर्चना, आपकी कविता, आपकी गायत्री, आपकी आराधना, वो आपके ऊपर है, लेकिन नहा धो के आना पड़ेगा, फ्रेश होके आना पड़ेगा, वरना अंदर घुसेगा नहीं, हजम होगा नहीं, ठीक है? मिलते हैं अगले दिन।